एक तालाब के किनारे बैठा था। वहाँ एक मछुआरा भी मछलियाँ पकड़ रहा था। तो बिजनेसमैन मछुआरे को देखकर मछुआरे के पास गया और बोला, तुम इतनी मछली कितनी समय में पकड़ लेते हो? मछुआरा बोला कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत समय में ही। बिजनेसमैन बोला, तुम थोड़ी देर और फिशिंग करके थोड़ी और फिश क्यों नहीं पकड़ लेते, और पैसे कमा लोगे? मछुआरा बोला, और फिश क्यों, इतनी काफ़ी है ना? बिजनेसमैन बोला, तो बाकी टाइम करते क्या हो? मछुआरा बोला, फिशिंग करके घर जाता हूँ और अपनी वाइफ और बच्चे और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और रात को शराब पीता हूँ, मज़े करता हूँ, गिटार बजाता हूँ, नाच गाना पार्टी चलती रहती है, और फिर सो जाता हूँ। बिजनेसमैन बोला, तुम ज़्यादा फिशिंग करके पैसे कमाओ, सेविंग्स करो और खुद की एक बोट खरीद लो, जिससे और कम फिश पकड़ पाओगे, और इस तरह से एक और बोट खरीद लो और इस तरह से एक टीम बना लो, सिखा दो, फिर वो आपके लिए काम करेंगे, कंपनी सेटअप कर लो, एक प्रोडक्शन प्लांट बना लो, फिशिंग की पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर सकोगे, सिटी के अलावा दूसरी सिटी में भी ब्रांचेस खोल दो। मछुआरा शांत रहकर उसकी बातें सुनता रहा। फिर मछुआरा बोला कि उसके बाद फिर बिजनेसमैन बोला, फिर उसके बाद क्या? आराम से बीच के पास अपना एक घर खरीद लेना, फिर फिशिंग करना, सुबह शाम आराम करना, फिर तुम नहीं तुम्हारी टीम काम करेगी, मज़े करना, एंजॉय करना, गिटार बजाना, शराब पीना, नाच गाना पार्टी जल से चलते रहेंगे। मछुआरा सुनता रहा। फिर मछुआरा बोला, बट ये तो मैं अभी भी करता हूँ। मछुआरे की ये बात सुनते ही बिजनेसमैन आगे कुछ बोल नहीं पाया। थोड़े दिनों बाद पता चला कि बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस छोड़ दिया, फिशरमैन के साथ रहने लगा। तो इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हम जो कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हम उस मकसद को क्यों पाना चाहते हैं। अपना वाई ढूंढो, अपना वाई पता करो। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का वाई क्लियर किया, आखिर मैं क्यों लड़ूं अपने ही लोगों से, इसलिए अपना वाई पता करो। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो